दोस्तों, जब भी हम बाजार जाते हैं ना सब्जी लेने, तो एक सब्जी ऐसी है, यानी बोटल गार्ड, लौकी जिसको हम बोलते हैं, बेचारी को इतना अनदेखा किया जाता है ना कि सब्जियों में से निकाल के उसको लिटरली बास्केट में से बाहर रख दिया जाता है। पुराने जमाने के लोग फिर भी जानते हैं कि लौकी कितनी फायदेमंद होती है। तो आज आपको जितना पता है ना, आपको जितने फायदे पता है लौकी के, आई एम श्योर कि मैं उसमें 5-6 फायदे और ऐड करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि लौकी किस तरह से हमारे लिए लाभकारी है। वीडियो में देखने वाले हैं 7 बेनिफिट्स ऑफ बॉटल गार्ड। उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से कर लीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाएं और अच्छी अच्छी सलाह और आइडियाज देते रहे कि वीडियो किस टाइप के बनाएं ताकि आपको बहुत सारे पसंद आए। तो शुरू करते हैं दोस्तों, लौकी में आखिर क्या क्या पाया जाता है। लौकी जो होती है पोषक तत्वों से भरपूर होती है, तरह तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, वाइटामिन्स पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। सबसे पहले लौकी में फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, बहुत अच्छी होती है, बहुत फायदेमंद होती है। इसके अलावा विटामिन ए, बी, B6, C, बहुत सारे ऐसे विटामिन पाए जाते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब पाया जाता है, फास्फोरस होता है इसमें, जिंक भी पाया जाता है। इसके अलावा आयरन होता है और सोडियम भी पाया जाता है। तो अब आप जान गए होंगे कि लौकी क्यों फायदेमंद है। तो आज हम देखने वाले हैं 7 बेनिफिट्स ऑफ बॉटल गार्ड, यानी लौकी के 7 अमेजिंग फायदे। लौकी की बात करने से पहले, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लौकी के जूस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके लिए प्रिकॉशंस है कि आपने फ्रेश लौकी लेनी है। जूस बना रहे हैं तो भी ताजी ही लौकी का इस्तेमाल करें, और जब आपने जूस बनाया है तो आप टेस्ट जरूर चेक कर लें कि वो कड़वा नहीं हो। उसका मतलब ये है कि लौकी बहुत ज्यादा पक गई है या उसमें विषैले तत्व है। ऐसे टेस्ट अगर आ रहा है आपको तो आपने उस जूस का या उस लौकी का इस्तेमाल नहीं करना है, आप वहीं छोड़ दें। और कोशिश करिए कि लौकी के जूस को, वैसे तो हम बोलते हैं कि करेले के रस के साथ अगर मिला के पिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देती है, लेकिन आप लौकी के जूस को अकेले ही पिए तभी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि कौन सी सब्जी फ्रेश है, कौन सी सब्जी फ्रेश नहीं है। इससे क्या होगा, आपकी दोनों सब्जियों से जो आपने जूस बनाया है वो भी बेकार हो जाएगा और आपको उसका लाभ भी नहीं मिल पाएगा। तो चलिए अब फायदों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला फायदा है ताजगी। अगर आप फ्रेश रहना चाहते हैं ना दोस्तों, तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में लौकी का सेवन शुरू कर दें। कैसे खाएं, सोते करके खा सकते हैं, यानी एक चम्मच तेल को आप तवे पे डाल लें और लौकी को बारीक बारीक काट के सैलड बना लें, उसका मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में खाएं, लंच में खाएं या डिनर में खाएं, जैसे भी आप चाहें आप खा सकते हैं। लेकिन फ्रेश रहना चाहते हैं तो मॉर्निंग में अगर आप लौकी का सेवन करते हैं तो फायदे ज़्यादा अच्छे होते हैं। एम्प्टी स्टमक अगर आप जूस भी पीते हैं तब भी आपको पूरा दिन तरोताज़ा रखेगी, क्योंकि आपके शरीर में किसी तरह के विटामिन्स और मिनरल और खनिज पदार्थों की कमी नहीं होने देगी, तो आप एकदम एक्टिव रहेंगे। दूसरा फायदा है डाइजेशन, यानी पाचक क्रिया की प्रणाली को स्ट्रॉन्ग करता है, पाचन को अच्छा बनाता है। पेट के लिए लौकी बहुत अच्छी होती है। आपने सुना भी होगा कुछ लोगों की तबीयत खराब होती है तो उनको सलाह दी जाती है आप लौकी खाएं, क्योंकि काफी हल्की सब्जी मानी जाती है और इसको खाने से एनर्जी बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे पोषक तत्व होते हैं। तो अगर आप अपना डाइजेशन ठीक करना चाहते हैं तो लौकी का जूस या काट के लौकी किसी भी रूप में खाएं, आपके लिए अच्छी ही होगी। तीसरा फायदा है वेट लॉस, वजन कम करना चाहते हैं दोस्तों। आजकल कौन नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो अंडर वेट होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनको वेट बढ़ाना होता है, मोस्टली लोगों को वेट कम करना होता है। हेल्दी रहना भी चाहते हैं ना तब भी लौकी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो वेट कम करना चाहते हैं तो लौकी का, जैसा मैंने बताया, जूस पिए या काट के खाएं, सैलेड में खाएं, जैसे भी आप खाना चाहें खाएं, लेकिन एक समय का मील आप लौकी से बनाएं, तभी फायदे ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर आपको शुरुआत दिनों में लग रहा है कि आप लौकी नहीं खा पाएंगे तो उसका बहुत अच्छा तरीका होता है, लौकी को कद्दूकस करके आटे में गूंथ लें और उसी की रोटी बना के खाएं,
पेट भी भर जाता है, पेट अच्छा भी रहता है, पाचक क्रिया जो होती है, पाचन प्रणाली जो होती है वो भी उससे अच्छी होती है और आप फ्रेश भी रहेंगे। लौकी के जूस का इस्तेमाल यानी सेवन अगर आप सुबह खाली पेट करते हैं तो आपका वेट कम करने के लिए बहुत लाभकारी होती है। सुबह सुबह खाली पेट लौकी का जूस पिए, उसके बाद अपने एक्सरसाइज, योगा, जो भी आप एक्टिविटी करते हैं वो करें, उसके बाद आप अपना हल्का सा ब्रेकफास्ट लें। वैसे तो अगर एक गिलास अगर आपने सुबह जूस पी लिया है तो आपको 11 बजे से पहले, सुबह 7 बजे अगर आपने जूस पिया है तो 11 बजे से पहले तो भूख नहीं लगेगी, लेकिन आपने ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। ब्रेकफास्ट में आपने लेना है या तो वेजिटेबल सैलेड लें, आप फ्रूट ले सकते हैं, आप दलिया खा सकते हैं, आप खिचड़ी खा सकते, उपमा खा सकते हैं, पोहा खा सकते हैं, पराठे नहीं खा सकते हैं या ऑयली चीजें जो होती हैं उनको आप टाटा बाय बाय बोल दें, तभी आपको रिजल्ट बेहतर मिलेंगे। और वेट कम करना है तो इतना तो छोड़ना पड़ेगा। अगला फायदा है मधुमेह के रोगियों के लिए, डायबिटीज है अगर आपको, तो आपको खाली पेट लौकी का जूस पीना है, जिससे आपके शरीर में इंसुलिन का जो स्तर होता है वो नॉर्मल रहता है, अच्छा रहता है। ये डायबिटीज में इसलिए भी अच्छा होता है क्योंकि ये मरीज को बहुत ही फ्रेश और तरोताजा रखता है, जिससे वैसे भी डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं उनको डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको एक्टिव रहना है, आपको कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर करते रहना है, फिटनेस का मंत्रा अपनाएं, कोई भी योगा करें, जिम जाएं या एक्सरसाइज करें, वॉक करें, तो लौकी आपके लिए बहुत लाभकारी है। अगला फायदा है यूरिनरी डिसऑर्डर्स। जिन लोगों को पेशाब संबंधी समस्याएं होती हैं उनके शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है, क्योंकि बार बार यूरिन पास करने से सोडियम शरीर से निकल जाता है, तो ये आपके शरीर में सोडियम के स्तर को बैलेंस करती है। अगला फायदा है नेचुरल ग्लो। अगर ग्लोइंग स्किन चाहते हैं ना तो आपके लिए लौकी बड़े काम की चीज है। लौकी के छिलके ले लें, इसको छाया में सुखा के आप स्क्रब बना लें और उसको नियमित रूप से इस्तेमाल करें, या लौकी के छिलकों को आप पीस के पेस्ट बना लें उसको लगाएं, या लौकी के मतलब पूरी लौकी ही लें, वाइट पार्ट भी लें उसका, और उसको अच्छे से चेहरे पे एज अ स्क्रब जैसे हम करते हैं वैसे करें, बहुत अच्छा होता है। फटी एरिया या शरीर में गर्माइश होती है तब भी आप लौकी को अपने पैरों के तलवों पे, हाथों के तलवों पे लगाएं। जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है उनको भी लौकी को कट करके हाथों पैरों के तलवों पे इस तरह से मालिश करनी चाहिए, उससे काफ़ी ठंडक देती है और आपका बीपी भी नॉर्मल रखती है। और खाते हैं तो शरीर से विषैले तत्व निकलते हैं, तो शरीर की जो पेट संबंधी समस्याएं होती हैं वो इससे ठीक हो जाती है, तो आपका स्किन का ग्लोइंग होना नेचुरली वो प्रोसीजर शुरू हो जाता है इससे। तो लौकी के एक फायदे नहीं है, बहुत सारे फायदे हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सातवां फायदा, वो है कोलेस्ट्रॉल। अगर आपके शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आपको खाली पेट लौकी का सेवन करना है, थोड़ा सा सेंधा नमक और काली मिर्ची पाउडर डाल के आप खाली पेट इसको पियेंगे ना तो आपका बीपी भी ठीक होगा इससे, आपका मधुमेह की प्रॉब्लम जो होगी वो भी ठीक होगी, आपकी पाचन क्रिया भी ठीक होगी इससे, स्किन भी ग्लोइंग होगी। ये वाला जो जूस मैं बता रही हूँ आपको, लेकिन आपको फ्रेश सब्जी लेनी है, फ्रेश जूस निकालना है उसी टाइम, टेस्ट चेक करें अगर जरा भी कड़वाहट लग रही है तो वो वाला नहीं पिए, आप दूसरा फ्रेश जूस निकालें और कोशिश करें कि किसी अन्य सब्जी के साथ आप मिला रहे हैं तो मेक श्योर करें कि उस सब्जी को भी आप देखें कि वो फ्रेश है और तरोताजा है एकदम। तो मैंने आपको बता दिए हैं 7 फायदे लौकी के, अब आप मुझे बताइए कि आपको ये बेनिफिट्स कैसे लगे। दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाती रहूंगी और आप अपना प्यार इसी तरह मुझ पर लुटाते रहिए। Bye-bye.